पहले 5 मैचेस में आपको कोई चांस नहीं मिला था. 6 मैच आप तो बिल्कुल आप वो ये काउंट भूलोगे नहीं. राजेश्वरी गायकवाड़, वेलकम. थैंक यू. बहुत दिनों के बाद आपसे ये कॉन्वर्जेशन हो रही है. मुझे याद है कि 2019 में कोविड के जस्ट पहले हम एक कॉन्वर्जेशन हमने किया था क्रिकेट विद क्वींस के लिए. एक एपिसोड किया था और आपने आपके जर्नी के बारे में बताया था. 2014 में जो आपने शुरू किया था, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो गए इंटरनेशनल करियर को आपके. एक साल तो हमारा कोविड में वेस्ट हो गया है, बट कैसा रहा है आपका ये 9 साल का सफर अभी तक का? मेरा तो 9 साल की जर्नी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जैसे स्ट्रगल लाइफ में एक इंडिया के लिए खेलना और इंडिया के लिए इतने साल खेलना, और वो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है एज अ बीजापुर गर्ल. उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक छोटे से शहर से आके इतने टाइम तक इंडियन टीम में सर्वाइव करना मतलब बहुत ही बड़ी बात है. और ऐसे ही देखते हैं अभी आगे और भी इंडिया के लिए खेलूंगी और ऐसे ही अपना बेस्ट देती रहूंगी अपनी टीम के लिए. आई एम श्योर आप खेलोगे राजेश्वरी, पर मुझे एक जो आपके करियर का एक अगर मैं बात करूँ कि एक वो कैसा कौन सा मोमेंट होगा जहाँ पे आपने एक बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा है, तो वो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 2017 वर्ल्ड कप. पहले 5 मैचेस में आपको कोई चांस नहीं मिला था. 6 मैच आप तो बिल्कुल आप वो ये काउंट भूलोगे नहीं. भूलोगे नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली. और उसके बाद आपको चांस मिला और फिर उसके बाद आपने मतलब अभी तक का वो रिकॉर्ड बॉलिंग स्पेल है, उस बारे में बताइए थोड़ा कि क्या चल रहा था उस दिन दिमाग में. ऐसा था कि एक वो खुन्नस था कि नहीं मुझे अब प्रूफ करना ही है? खुन्नस ऐसा कुछ नहीं था, पर जब भी हम लोग मैचेस खेलने जाते हैं तो चाहते हैं कि खेले. लेकिन इतना अच्छा कर रहा था कि उस टाइम पे अपनी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हर एक मैच जीत रही थी. लेकिन मैं एक ही चीज दिमाग में रख के जा रही थी कि आज खेलूंगी. पर अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन होप्स नहीं छोड़े थे मैंने. पर जब भी ग्राउंड जा रहे थे तो मुझे लगता था कि आज मैं खेलूंगी, शायद क्या पता खेलूंगी, यही माइंडसेट रहता था. लेकिन अपनी टीम हर मैच में हर कोई नया परफॉर्मेंस दे रहा है और हर एक मैच हम लोग जीत रहे थे, तो उस चीज के लिए बहुत खुश थी मैं. और जब मुझे 6 मैच के बाद मौका मिलता है, तब जब सुबह मुझे पता चलता है कि आप खेल रहे हो, मुझे हड़ल में पता चलता है कि मैं खेलने वाली हूँ, तो वो मेरे लिए शॉकिंग तो था ही पहली बार. तो क्योंकि वर्ल्ड कप का इतना बहुत ही क्रूशियल मैच था, वो जितना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वो जीतते तो हम लोग क्वालिफाई करते. करेक्ट. तो वो मैच तो जब मुझे खेलने का मौका मिला तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि बस मुझे अपना 100% देना है और जगह पे बॉलिंग डालनी है. बस वो अपना बेसिक जो रहता है उस पर ही मैं उसी चीज को मैंने फॉलो किया और उसमें मैं सक्सेसफुल भी रही. और वो जीत जो थी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, तो मेरे परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे हम लोग क्वालिफाई हुए उस चीज़ की खुशी ज़्यादा थी. और उस स्टेज पे जाके न्यूजीलैंड को हराना, क्योंकि वो लोग अगर ऐसे था कि वो लोग भी जीत जाते तो वो लोग क्वालिफाई करते, लेकिन इंडियन टीम का जीतना बहुत ही ज़रूरी था और उसमें मेरा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट था, तो उस चीज के लिए बहुत ही खुशी थी. छोटा बिल्कुल भी नहीं था वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि न्यूजीलैंड को वो भी काफी अच्छी टीम है, राइट? काफी मतलब स्ट्रॉन्ग टीम्स है और उनके अगेंस्ट में और पहले 6 मैच नहीं खेल के वो जो मौका मिला था उसके बाद तो बहुत ही एक धमाकेदार परफॉर्मेंस थी राजेश्वरी. और उसके बाद मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अगले मैच में मुझे चांस मिलेगा. लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेली तो उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हम लोग जीते. तो ऑस्ट्रेलिया को हराना हम लोगों ने एक्चुअली सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग हरा पाएंगे उन लोगों के. लेकिन उसके अगेंस्ट भी हम लोगों ने ऐसे रहा कि वर्ल्ड कप में हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है, हर रोज एक प्लेयर मैच जीता रहा था, तो वो वर्ल्ड कप का बेस्ट मोमेंट मुझे लगता है. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो हमारा 36 का आंकड़ा रहा है ना. हाँ, सच में. तो इस बार जब यूपी वॉरियर्स में आपके साथ अलिसा हीली, तालिया मैगरा, ये जो स्टार प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलियन, जब आपको मिले आपने कुछ बोला उनसे की?
नहीं ऐसे तो देखो जब भी हम लोगों ने उनके अगेंस्ट खेला है तो एक अपोनेंट्स की तरह ही उन लोगों को हमने देखा है और ऐसे ही उनके साथ रहे, लेकिन जब WPL में उनको हम साथ में देखते हैं तो एक चीज़ है, एक तो चैंपियंस टीम है और उनके साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और हम लोग उनके साथ ड्रेसिंग रूम से शेयर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर एक प्लेयर का थॉट प्रोसेस जो होता है बिल्कुल अलग होता है, कोई भी हो सीखने के लिए हर किसी से मिलता ही है। और जब हमारे साथ वो लोग खेल रहे थे तो हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा, जैसे मैच का प्रिपरेशन कैसे होता है और वो लोग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों को भी सीखने को मिला है। राजेश्वरी, आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी एक हम्बल बिगनिंग से आप आती हैं। मुझे याद है आपने पिछली बार वाले कॉन्वर्जेशन में भी ये बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि कैसे वो जो मैच फीस होती थी वो कितनी इम्पोर्टेंट होती थी, और इनफैक्ट शायद आपको DA जो मिला था वो आपने आपके डैड को भी दिया था वो चीज़। तब से लेके अब तक चीजें काफी बदल गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि BCCI ने इक्वल मनी अनाउंस करी है, मैच खेलने की इक्वल फीस मिलती है, इसके अलावा ICC ने जो टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी अब एक कर दी है। आपके पर्सनल लाइफ में कैसी कितनी चीजें चेंज हुई हैं? एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जब बस के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, कि जब हम बैंगलोर आने का सोचते तो हमें लगता था कि अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसे सोच पड़ जाती थी, क्योंकि हर एक चीज इतनी मतलब सब जानते हैं कि क्रिकेट का एक भी इक्विपमेंट सस्ता नहीं होता है, और उसमें हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे तो हम लोगों को हर एक चीज़ खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। जब बैंगलोर आते थे तो जब हम लोगों को DA मिलता था उसमें हम लोग अपना जो भी जितने भी दिन हम लोग रहते थे उसमें DA में मैनेज करते थे, और वो सब चीज़ें अभी भी मैं सोचती हूँ तो ऐसे लगता है यार कैसे कैसे दिन हम लोगों ने निकाले हैं। और जब अब मैं देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तभी एक एक चीज़ की वैल्यू करना सीखते हैं, और वो सब चीज़ें मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर हम लोग ऐसे नहीं रहते तो आज मुझे अभी कितना भी कुछ मिलता है ना, मुझे कभी उतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो जितना भी है उतना मैं खुश रहना मैं यही लाइफ में सीखी हूँ, और मुझे उतना कभी नहीं लगता कि यार इतना मिलना चाहिए था उतना मिलना चाहिए था, ये मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आता है। और ये सब चीज़ें शायद हम ऐसे नहीं होते तो ये सब चीज़ें भी नहीं सीखते, तो ये सब चीज़ें ठीक लगती है मुझे। आप ये जब फेस कर रहे थे ये तभी कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि क्रिकेट नहीं कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए क्योंकि इतना महंगा स्पोर्ट है जैसे आप बता रहे हैं? कभी ये चीज़ तो मुझे कभी नहीं लगी है कि अभी मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं करना चाह रही, करना नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे कभी भी माइंड में नहीं आया, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट इतना था कि कभी उन्होंने हमारे सामने जताया नहीं कि हम अभी कुछ आपको दे नहीं पाते या कुछ भी, क्योंकि इतने स्पोर्ट्स मतलब बहुत ही हमेशा जब भी पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना खेल को दिया है। हाँ, खेल मतलब बहुत ही था मेरे लिए, और घर से सपोर्ट था तो कभी ऐसे लगा ही नहीं कि अभी छोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें हम लोगों ने झेली है लाइफ में, क्योंकि एक तो होते हैं ना कि आगे जा रहे हो तो खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं, और वो लोग भी मैंने बहुत देखे अपने लाइफ में, और मुझे लगता है चलो अभी वो लोग नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो मैं हमेशा उन लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऐसे किया तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ मुझे रियलाइज़ हुआ है लाइफ में, और ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए लाइफ में, ऐसे लोग भी होने चाहिए कि आपको आगे ना बढ़ने दे, और मेरे लाइफ में तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग थे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच सच में। एक टाइम था राजेश्वरी जब विमेंस क्रिकेट में इतने ज्यादा मैचेस नहीं होते थे, साल में हार्डली 2 या 3 टूर्स होते थे, ये 2013-14 की बात कर रहा हूँ, और अब ऐसा है कि अब अगला 2-3 साल आपको पता है कि क्या करना है, जैसे नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, 2025 में वापस एक ODI वर्ल्ड कप है जो इंडिया में खेला जाने वाला है, 2 महीने में आपने एशियन गेम्स के लिए जाना है, अब आप काफी ज्यादा प्रिपेयर हो सकते हो क्योंकि आपके पास स्केड्यूल है, तो ये हेल्प करता है अगर आपको पहले से ही अगर आपको पता हो कि ये टूर्नामेंट्स लाइन पे मार लें? हाँ, ये चीज़ तो हेल्प होती है, पर मैं इतना कुछ सोचती नहीं हूँ कि अगले कौन सी सीरीज़ आने वाली है क्या है, क्योंकि मैं अपने प्रोसेस और अपने हार्डवर्क पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो ये डेफिनेटली है कि हम कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा सोचते तो लोड खुद पे ले रहे, मतलब खुद पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हम,
इसलिए मैं अपने पे ज्यादा लोड नहीं, मतलब लोड नहीं डालती, और जो जो भी सीरीज रहेगा चलो हम अच्छा करते जाएंगे तो अपने आप मिलते रहेगा। और ये चीज तो है कि आपको एक चीज पता रहती है कि आप आने वाले टाइम पे ये वाले मैचेस खेलने वाले हैं। ऑब्वियसली वो होते हैं हेल्प, लेकिन मैं ज्यादातर माइंड फ्री रहना पसंद करती हूँ। फाइनल क्वेश्चन राजेश्वरी, 9 साल आपने बिता लिया इंटरनेशनल करियर में, अब आप एक सीनियर प्लेयर जैसे भी आप टीम में हो, जो यंगस्टर्स आते हैं, जो नए न्यू कमर्स आते हैं, उनको, उनसे आप अगर बात करते हो तो उनको क्या मैसेज देते हो, या अगर वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके दिमाग में काफी कंफ्यूजन होते होंगे जब वो पहली बार टीम में आते हैं, जब आप पहली बार टीम में आए थे। पहली बार जब भी कोई भी टीम में आता है तो उनका तो एक ही रहता है कि कैसे क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, तो होता है, क्योंकि जब मैं पहली बार टीम में आई थी ऑब्वियसली मैं भी नर्वस थी, और मैं रिलेट कर सकती हूँ जो भी टीम में नया आता है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि इतने सारे मैचेस खेलने को मिल रहे, तो कोई भी अभी नया पहली बार मैच खेल रहे ऐसे तो किसी का भी नहीं रहता है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक में इतने सारे मैचेस मिल रहे हैं, अब WPL भी आ गया है, तो अभी किसी के लिए इतना प्रेशर फील नहीं होता। जब हमारा टाइम था जो साल में हम लोग 2-3 ही मैच खेलते थे, उस तब जाके हम लोगों को चैलेंजेस में इतना प्रेशर फील होता था कि बड़े टीम है तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन अभी के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, और जब भी उनको कुछ लगता है तो आके जरूर पूछते हैं, तो हम एज ए सीनियर प्लेयर उनको हेल्प बिल्कुल करते हैं। वी होप आप और ज़्यादा सालों के लिए खेले और ऐसे बहुत सारे जूनियर्स को हेल्प करें राजेश्वरी, क्योंकि आप जैसे प्लेयर्स की, टैलेंटेड स्पिनर्स की इंडियन टीम को जरूरत है। थैंक यू सो मच आपके अभी तक के कंट्रीब्यूशन के लिए, और आगे आने वाले मैचेस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, वर्ल्ड कप है जैसे मैंने कहा, बैक टू बैक वर्ल्ड कप है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।